हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जोया। इफ यू आर न्यू हियर तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू बॉर्न बेबी की कुछ शॉपिंग मैंने की है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हो तो आप लोगों को पता होगा मैंने अपनी कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाली थी दैट शुड आई शेयर बेबी शॉपिंग और नॉट। तो आप लोगों में से 95% जो व्यूवर हैं उनका जो आंसर था वो था यस में। सो टुडे मैंने सोचा कि शेयर कर दिया जाए जो जो मैंने परचेज किया है। और ये वीडियो उन लड़कियों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो कि बनने वाली हैं मामा या बन चुकी हैं और उनको नहीं पता कि उनको न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या क्या परचेज करना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना, और अगर वीडियो क्यूट लगे, चीज़ें आपको पसंद आएँ छोटी छोटी, तो आपने वीडियो को लाइक करके कमेंट भी करना है और शेयर भी कर देना है। तो जी, जो सबसे पहली चीज़ है वो है बेबी बैग। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत पसीना आ रहा था इसलिए मैंने फ़ैन ऑन कर लिया है। उसकी अगर आपको आवाज़ आ रही है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो जो मैंने बैग लिया है वो कुछ इस तरह का है, ये देखिए कुछ इस तरह का है, और इसके अंदर एक ही जिप है इस तरह से ये। उसके बाद इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइसेस मैं वैसे हर चीज़ के साथ साथ स्क्रीन पर मेंशन करती रहूँगी। तो ये मैंने लिया था 2000 का, और कहाँ से लिया था ये मैंने मोती बाज़ार से लिया है। मैंने तकरीबन जितनी भी चीज़ें हैं लोकल मार्केट से ली हैं, कोई भी ब्रांडेड कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको आम बाज़ार से मिल जाएंगी सारी चीज़ें। इसकी पॉकेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जी ये मेन पॉकेट के अलावा दो पॉकेट्स इस तरह से ये आपको नज़र आ रही हैं, ये हैं, एक इधर है एक और एक इधर है, एक आगे है, आप छोटी मोटी चीज़ें इधर भी रख सकते हो, कुछ इस तरह है। और अंदर से ये इस तरह बना हुआ है कि अंदर ये आपको तीन इलास्टिक से नज़र आ रहे होंगे। इधर आप बेबी का फीडर फंसा सकते हो, बेबी के वाइप्स रख सकते हो ताकि वो इधर उधर ना हो, जब आपने बेबी को चेंज करना हो साफ़ करना हो तो आप इजीली इनको निकाल सको। तो ये बैग मैंने न्यू परचेज किया है। इससे पहले मेरे बच्चे जो हुए हैं मैंने एक लिया था पिंक कलर का बैग, आप लोगों को मैं यहाँ पर स्क्रीन पर उसकी तस्वीर दिखा दूँगी, जो कि टिपिकल बैग है बेबी बैग, मतलब उसको देखते साथ पता चल जाता है कि भाई ये बच्चों का ही बैग है। तो वो मैंने अपनी बेटी की बार लिया था, तो मैंने अपने बेटे के बार भी इसको चला लिया था, लेकिन अब वो बेचारा खस्ता हाल हो गया था तो इसलिए मैंने ये बैग नया लिया है। ये घर पे तो ज़रूरत नहीं होता लेकिन ट्रैवल के टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मस्ट हैव है कि आपके पास ये होना चाहिए। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ है वो है बेबी स्वेडल। अब बेबी स्वेडल क्या है, बेबी रैप भी आप उसे कह सकते हो, वो कपड़ा जिसमें हम बच्चे को लपेटते हैं, जैसे ही बच्चा होता है उसको लपेट दिया जाता है ताकि वो रोए ना डरे ना। तो जो बेबी स्वेडल होते हैं वो मैंने तीन किस्म के परचेज किए हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने फ्लीज में लिया है, ये थोड़ा गर्म मटेरियल है, ये मेरे कैमरे को क्या हो रहा है, हाँ जी, तो ये है फ्लीज में, तो मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये सर्दियों के हिसाब से मैंने लिया है, जैसे बच्चों के गर्म कपड़े होते हैं, ये उस तरह का मटेरियल है, बहुत ही प्यारा इसका येलो कलर है, ये इसमें आप बच्चे का सर घुसाएं और ये इस तरह आप इसमें बच्चे को लपेट सकते हैं। एक मैंने स्टफ लिया है फ्लीज में, एक मैंने लिया है टॉवल स्टफ लिया है, ये कुछ इस तरह का है, आप लोग देख लीजिए। तो ये एक है टॉवल में, और एक ये है, इसको जो दुकान वाला पाई था ना वो कह रहा था कि ये कोई थाई कपड़ा है, तो ये जैसे बनियानी कपड़ा होता है ये वो स्टफ है। ये इसका हेड बना हुआ है, बहुत ही क्यूट इसका हेड था, और ये इसकी सीधी साइड है। ये काफ़ी बड़ा कपड़ा है, मीन अगर आपका बच्चा जो है 6-7 महीने का भी होता है तो वो इसके अंदर पूरा आ जाता है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को बांध के रखती हूँ, अगर बच्चों को बांध के रखा जाए तो तंग कम करते हैं, उनको यही होता है कि मामा साथ हैं और डरते भी नहीं हैं। नेक्स्ट बेबी है, उसकी बर्थ होने वाली है सर्दियों में, तो कैप्स मस्ट हैं। तो ये मैंने दो किस्म की ली हैं, मैं इसको पैक से निकाल के आपको दिखाती हूँ। एक मैंने ली है ये ब्लू कलर की, और एक मैंने ली है ये ऑरेंज कलर की, इस पर बनी हुई है मानो बिल्ली। तो ये दो मैंने कैप्स ली हैं। कैप्स के बाद बात करते हैं, ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा में ली है, इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन ये इतनी क्यूट थी कि मेरा दिल आया और मैंने ले लिया। ये मैंने अपने जो बेबी बैग है उस पर लगाने के लिए एक की चेन ली है, आप लोग देख सकते हो बड़ी प्यारी डॉट
डॉल बनी हुई है और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है और काफ़ी फाइन इसका जो ये जो की चेन है काफ़ी फाइन था। आप इसको इस पले ये जो है इससे भी हैंग कर सकते हो और इससे भी लगा सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं अब कपड़ों की, तो मैं ज़रा कपड़े एक इकट्ठे कर लूँ एक जगह पर, फिर मैं आपको कपड़े दिखाना शुरू कर दूँ। तो सबसे पहले हैं ये बेबी सूट, ये आप बच्चे को नीचे पहनाते हैं सर्दियों में स्पेशली, क्योंकि बच्चे को कोई भी जब उठाता है, वैसे जो न्यू बॉर्न होता है वो तो तकरीबन ऐसे करके उठाया जाता है, लेकिन जब बच्चा आपका 2 या 3 महीने का हो जाता है, मतलब आप उसको कंधे पर लगाना शुरू कर देते हो, तो अक्सर सर्दी में ये होता है उठाते हुए बच्चे के कपड़े ऊपर हो जाते हैं और बच्चे को ठंड लगने का ख़तरा होता है। तो ये जो बॉडी सूट होते हैं ये बच्चे को कवर रखते हैं। तो ये 3 कलर्स के हैं, ऑरेंज, ब्लू और पिंक। ये भी मैंने मोती बाजार से लिए हैं, ये 1000 रुपीज़ का पैक था, तो इसमें 3 बॉडी सूट हैं। ये है इस तरह की, मैंने ये 2 ली हैं। सर्दियों में अगर आपके बेबी की बर्थ होने वाली है तो बच्चे को नीचे पहनाने वाले कपड़े मस्ट हैव, मतलब होने ही होने चाहिए। ऊपर के तो चाहिए चाहिए, नीचे के लिए भी आपको लाजमी कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। तो ये मैंने नीचे पहनाने की कुछ स्वेटर्स ली हैं और ये बॉडी सूट भी इसी के काम आएंगे कि मतलब आप कपड़ों के नीचे इनको पहनाएंगे। उसके बाद बहुत ही क्यूट मुझे ये लगी हैं, ये हैं जी बिब्स, ये 3 का पैक था। ये मैंने ऑलरेडी खोल के रखी हुई, पैक इसका वो पड़ा है क्योंकि थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। तो ये हैं बहुत ही प्यारी बिब्स, एक है येलो कलर की, एक है जी ब्लू कलर की और एक दूसरी भी है ब्लू कलर की, लेकिन इस पर प्रिंट थोड़ा है चेंज। जो बिब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अगर बच्चे ने कोई भी उल्टी वगैरह या दूध निकाल भी दिया है तो आप बिब चेंज कर दो, एज़ कम्पेयर कि आप पूरे पूरे कपड़े चेंज करो, तो बिब चेंज करना ईजी है। तो बिब्स भी मस्ट हैव है, आपके पास होनी चाहिए अगर आपका काका होने वाला है या हो गया तो। उसके बाद मैंने लिया है जी ये रुमाल का एक पैक है, साइज भी है नॉर्मल सा, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं और बहुत ही सॉफ्ट से हैं न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब से, मतलब अगर आप कोई हार्श चीज़ अगर बच्चे पर यूज़ करते हो तो रैश होने का ख़तरा होता है। इसलिए हमेशा न्यू बॉर्न बेबी की जब भी कोई चीज़ परचेज़ करें तो ध्यान रखें कि सॉफ्ट हो, बच्चे को कोई इरिटेशन ना हो उससे। तो ये मटीरियल वाइज स्टफ वाइज बहुत ही सॉफ्ट थे, सॉक्स का मैंने एक पेयर लिया था। तो ये है, इसमें एक है क्या कलर है, ग्रीन, ग्रे एंड रेड। तो ये एक सॉक्स का पेयर लिया है मैंने, सर्दियां हैं तो सॉक्स भी चलेंगी चलेंगी। और एक मैंने ये सॉक्स का पेयर लिया है, ये थोड़ी सी जो है पतली सॉक्स हैं लेकिन मैंने ले लिया, मुझे अच्छी लग रही थी, अब काम आए या ना आए पता नहीं। देन मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये क्या है, ये है जी रिसीविंग ब्लैंकेट, मतलब जब आपका बेबी पैदा होता है आप इसको अगर सर्दियां हैं तो इसमें रख सकते हैं। इसके अंदर है एक ये गोल तकिया, इसमें जैसे बच्चे का सर बनाने के लिए वैसे ये यूज़ होता है ये है, और ये बहुत ही प्यारा यानी कि स्कूशी सा है, फॉर्म टाइप है, तो इसमें आप अपने बच्चे को रख सकते हो। उसको उठाना बहुत ईजी हो जाता है, मामा तो उठा ही लेती हैं जब कोई दूसरा बंदा पकड़ता है। अक्सर ये होता है कि जो छोटा बच्चा होता है उसको काफ़ी लोग पकड़ते हुए डरते हैं क्योंकि बिल्कुल ही नाजुक सा होता है। तो ये उस काम के लिए है, आप इसको रिसीविंग ब्लैंकेट कह सकते हो। इसके अलावा मैंने लिए हैं ये राउंड नेक, जो कि 0 साइज़ की नहीं है, ये 1 या 2 साइज़ के हैं। तो ये हैं एक स्किन में और एक ब्लू में। उसके बाद आते हैं कपड़ों की तरफ जो कि ऊपर पहनने वाले हैं, वो भी दिखा दूँ अब। बाद ये है सबसे पहला ड्रेस, ये आपको मैं खोल के दिखाती हूँ, कुछ इस तरह की पैकिंग में है ये। ये ऐसा सूट है कि मतलब अगर आप ये पहनाते हो तो फिर आपको बच्चे को कंबल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही फाइन, बहुत ही गफ, इसकी आप मोटाई देख सकते हो। तो ये है जी इसका हुडी, कुछ इस तरह से है, और साथ में इसके ये ट्राउज़र है, ठीक हो गया। ये इसका शर्ट, इसकी शर्ट, इसी में थोड़ा सा चेंज है ये वाला,
ये वाला भी मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और इसकी हुडी बहुत ही मज़े की, बहुत ही प्यारी है। ये इसकी हुडी है, ये भी आगे बटन्स वाला है। बटन्स खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ प्रॉपर। ये बटन खोल के है कुछ इस तरह से, फ्लीस का है ये छोटू सा। इसके साथ भी है ये पजामा, ये और ये है इसकी चुन्नू मुन्नू सी एक कैप। ये हैं सदाबहार कपड़े, ऊनी कपड़े जो होते हैं वो मतलब कभी पुराने नहीं होते, मतलब इन फैशन कभी पुराने नहीं होते हैं और बच्चों को बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं। टंग स्लिप हो रही है, इसीलिए ना ऑन ईयर मैं वीडियोस नहीं करती, मैं वॉइस ओवर पे ही ठीक रहती हूँ। ऑन ईयर वीडियोस करो ना तो ऐसी टंग स्लिप होती है ना, बिस्ती हो जाती है। तो ये है जी, इसके साथ भी है ये हुडी, ये भी है वन साइज। एक ये है येलो पिंक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, और जो दूसरा है वो है ग्रीन एंड पीच। और इसमें थोड़ा सा डिफर ये था कि इसका जो नेक था वो राउंड था और इसके साथ दी गई है कैप, और वो है हुडी वाला, और ये है इसका चुन्नू मुन्नू सा पजामा। आज मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाने वाली हूँ वो है थोड़ी सी शशके वाली, ना भी हो तो गुजारा चल जाता है। वो हैं जी ये बूटीज, ब्लू भी ले ली है, पिंक भी ले ली है, जेड़ा काम आ गया। अगर ये पहनाने पड़ गए तो ये पहना दूंगी, ये पहनाने पड़ गए तो ये पहना दूंगी, और अगर ये पहनाने पड़ गए तो ये किसी को गिफ्ट चला जाएगा, अगर ये पहनाने पड़ गए तो ये किसी को गिफ्ट चला जाएगा। पैम्पर्स का पैक डेफिनेटली सबको पता है यार, तो पैम्पर्स जो भी कोई अच्छी कंपनी के हैं, मैंने अपने पहले बच्चों की बार जो है वो कैमरा और कौन सी ब्रांड थी, गोल्ड बेबी पैम्पर्स, ये सारे ब्रांड ट्राई किए हैं, अच्छे हैं। लेकिन इस बार मैंने लिया है मॉलफिक्स का पैम्पर पैक, तो इसके लिए भी है चीज़ आपके पास होनी होनी चाहिए। देन जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो है जी ये बेबी वाइप्स। ये भी आप किसी अच्छी क्वालिटी के लें, होता ये है जी जो लोकल कंपनीज के वाइप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और यानी कि सफाई भी वैसे नहीं करते। जो अच्छे वाइप्स हैं उनका जो स्टफ़ है वो थोड़ा गफ होता है, तो वो क्लीनिंग में भी आपको आसानी देते हैं। उसके बाद जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अब आ जाते हैं बच्चे की स्किन केयर की तरफ। सो स्किन केयर से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैंने परचेज की हैं जॉनसन्स बेबी की। है जी जॉनसन्स का बेबी लोशन, जॉनसन्स का बेबी बाथ, यानी कि आप इससे बच्चे को नहला सकते हो और यस नहला ही सकते हो। तो ये जो जॉनसन्स का बेबी बाथ है इसके साथ मुझे फ्री एक मिला है पाउडर है। उसके बाद मैंने लिया है जॉनसन्स का बेबी ऑयल, क्योंकि बच्चे के लिए मालिश है मस्ट। उसके बाद मैंने लिया है जी बेबी शैम्पू, वैसे ये भी ऑप्शनल है क्योंकि जो बेबी बाथ वाला मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई है पहले, उससे आप अपने बच्चे के जो बाल हैं वो भी धो सकते हैं। और ये है जी जॉनसन्स का सोप। उसके बाद मैंने लिया है जी ये है केयर की नैपी रैश क्रीम, जो कि मस्ट हैव है, आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे को रैश है तो ज़रूरी नहीं है आप इसको तभी यूज़ करें, आप जब भी अपने बच्चे को चेंज करने लगें तो हल्की सी नैपी रैश क्रीम या वैसलीन या बेबी क्रीम आप ज़रूर यूज़ करें ताकि उसको रैशेज ना हो। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये एक बड़ा बिब, जो कि बना हुआ है सिलिकॉन का। ये न्यू बॉर्न के लिए तो नहीं है, लेकिन जब आपका बच्चा बैठने लग जाता है, खाने पीने की तरफ आता है, पीने की तरफ तो पहले ही होता है, मतलब जब सिरेलैक की तरफ या ठोस गिजाओं की तरफ आता है, तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ है, आपके बच्चे को पूरा आगे से कवर कर देता है। और ये है भी सिलिकॉन मटेरियल में, मतलब कि आपको बार बार धोना भी नहीं पड़ेगा। आप अगर किसी गीले कपड़े से इसको साफ़ करते हो ना, प्लास्टिक टाइप ये मटेरियल है, सिलिकॉन भी नहीं है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये एक परचेज़ कर लिया। देन मैंने परचेज़ किए हैं जी ये हैंगर, ये भी ऑप्शनल हैं। मैं बच्चों के जो कपड़े हैं वो कबर्ड में हैंग करके रखना पसंद करती हूँ, तो मेरे जो पहले बच्चों की बार के हैंगर हैं वो ऑलरेडी मतलब यूज्ड हैं, लटके हुए हैं उनमें कपड़े,
तो अगले के लिए कोई इनमें गुंजाइश नहीं है। और सर्दियों का सामान जो कि ऑलरेडी मेरे पास था और मैंने परचेज़ नहीं किया, मैं आपको साथ साथ वो भी बताती चलूँ, ताकि अगर आप अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए सामान की लिस्ट बना रहे हो तो आपको पता हो कि आपने जी क्या क्या परचेज़ करना है। तो इसके अलावा अगर आपको चाहिए गर्मियों के हिसाब से भी एक टॉवल होना चाहिए जो कि सॉफ्ट मटेरियल का हो, मेरे पास ऑलरेडी दो टॉवल्स थे तो मैंने टॉवल परचेज़ नहीं किया, लेकिन अगर आप परचेज़ करने जा रहे हो पहली बार चीज़ें तो टॉवल भी मस्ट हैव है। इसके अलावा अगर सर्दियों में बर्थ है तो आपको चाहिए होता है कंबल, तो मेरे पहले बच्चों की बार तीन तीन कंबल पड़े हैं, एक मैंने खुद परचेज़ किया, दो गिफ्ट में आ गए थे, तो इस बार मैंने कंबल परचेज़ नहीं किया। तो जो बेबी ब्लैंकेट है वो लाजमी है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि मैंने आपको इनर्स दिखाए हैं जिसमें स्वेटर सी बॉडी सूट था, तो बॉटम के लिए भी आपको कुछ ना कुछ बच्चे के लिए चाहिए होता है। तो पहले बच्चों की बार मैंने ना बॉटम के लिए पजामास दिए थे और पूरा पूरा पैक ले लिया था, तकरीबन उसमें दर्जन पजामास थे छोटे ज़ीरो साइज़ के, तो वो अभी तक पड़े थे, वो नहीं मैंने किसी को दिए तो वो ये हैं कुछ इस तरह के हैं, तो ये अभी मेरे पास पड़े हैं, मैंने नहीं लिए। अच्छा जो है सर्दी वाला वो ज़्यादा लीक होता है, उसको ज़्यादा पैम्पर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मेन सूट के अलावा नीचे पजामा भी पहनाना पड़ता है, तो ये पजामा भी आपके पास होना चाहिए। तो आज की वीडियो आई होप के थोड़ी लेंथी हो गई है लेकिन आपको पसंद आई होगी, और क्या चीज़ पसंद ज़्यादा आई है क्या चीज़ पसंद नहीं आई तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट बेबी से रिलेटेड कोई वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।